हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ लस्ट। माय नेम इज़ प्रज्वल, ए फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ लैंडमार्क केसेस फ्रॉम एविडेंस एक्ट। द नेम ऑफ द केस इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई। इस केस के फैक्ट्स से शुरुआत करते हैं। इस केस में जो कंप्लेनेंट होता है, उनकी जो वाइफ होती है, वो टर्मिनल कैंसर के लिए डायग्नोसिस होता है उनका। और ये जो यूएसए में एक डॉक्टर ग्रीनबर्ग जो फिजिशियन है, उनसे कंसल्ट करती है। इस केस में डॉक्टर ग्रीनबर्ग जो है, ये सजेस्ट करते हैं कि आप इस केस में सर्जरी ना करके मेडिकेशंस कीजिए, क्योंकि सर्जरी इस केस में रिस्की हो सकता है। ये क्या करते हैं, एक डॉक्टर एके मुखर्जी को फिर से कंसल्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हमने यूएस में एक डॉक्टर ग्रीनबर्ग है, उनसे कंसल्ट किया था, उन्होंने सर्जरी के लिए मना किया है। तो ये जानते हुए भी डॉक्टर एके मुखर्जी इस केस में सर्जरी कंडक्ट करते हैं, जिसके कारण जो कंप्लेनेंट की वाइफ है वो बहुत सफ़र करती है और एंड में मर जाती है। इस केस में जो मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र होता है, वो डॉक्टर एके मुखर्जी को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी मानता है और जो डॉक्टर ग्रीनबर्ग है उनकी विटनेस सीक करता है, ताकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए डॉक्टर मुखर्जी को गिल्टी हेल्ड कर सके। लेकिन डॉक्टर ग्रीनबर्ग ये कहते हैं कि मैं एविडेंस तो दे दूंगा, लेकिन मैं फिजिकली इंडिया जाके एविडेंस नहीं दे पाऊंगा, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिजिकली नहीं आ सकता। इस केस में जो मेन इशू है, क्या क्रिमिनल ट्रायल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें ट्रायल कोर्ट जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ कर देता है, जब ये केस हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट ये कहता है कि जो सेक्शन 273 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वहाँ पे ये मैंडेटरी है कि फिजिकल प्रेजेंस में एक्यूज्ड की वीडियो जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड होगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए जो लोअर कोर्ट ने अलाउ किया था, इस केस में हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये इस केस में ये कहता है कि सेक्शन 273 सीआरपीसी में जो दिया गया है, इसमें फिजिकल प्रेजेंस की कोई नेसेसिटी नहीं है, और हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, जिसके खातिर हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसको अलाउ करना चाहिए। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए, सुप्रीम कोर्ट दो कंडीशंस रखता है कि जो एविडेंस जो है ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम अलाउ तो करते हैं, लेकिन उसके लिए जो एविडेंस रिकॉर्ड होगा वो किसी कोर्ट के प्रेमाइसिस में या स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा, और जब ये वीडियो रिकॉर्ड होगा तब वहाँ पर एक जुडिशियल ऑफिसर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड होगा, तभी ये एडमिसेबल होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जो सेक्शन 3 में जो एविडेंस होता है, वो ओरल फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो हम रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें डिनाई नहीं कर सकते, और हमें इसको अलाउ करना पड़ेगा। और जो हाई कोर्ट ने जो इसको डिनाई किया था, इसको सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा डॉक्टर ग्रीनबर्ग का। यही था इस केस में मेन ऑब्जर्वेशन। आप हमारे इस लैंडमार्क केस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल लॉ लस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।